अस्सलामुअलैकुम सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जैसे कि चांद रात है और हर घर में कोई ना कोई मीठा बना रहा होगा, तो इसी तरह डिलीशियस फूड बाय एस आर ने भी आज बहुत मज़े का कस्टर्ड ट्राइफल बनाया। तो हमने जो है वो जेली को जो है वो केले काट के तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। अब मैंने तकरीबन कोई साढ़े तीन कप जो है वो दूध लिया है और उसमें मैंने 3 चम्मच जो है कस्टर्ड वनीला डालकर इसको पका रही हूँ। चीनी की भी हमने 3 चम्मच 4 चम्मच लिए थे, अब अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के लिए। इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं मैं बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बना रही हूँ। तो फ्रूट विद बिस्किट ट्राइफल है ये, बहुत मज़े का बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये हमारे 2-4 जोश जो हैं इसको आ गए हैं, तकरीबन पक चुका है और जेली हमारी टोटली सेट हो चुकी है बनानास डाल के। आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट डाल सकते हैं। अब बहुत थिन सी पतली सी लेयर में जो है वो कस्टर्ड की लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इस पे चूड़ा किए हुए बिस्किट डालूंगी। तो ये थिन सी पहले मैं लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है आप केक यूज़ कर लें, बहुत से लोग केक भी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो कॉकटेल्स यूज़ कर लें, तो इट्स ऑल अप टू यू एज़ पर योर टेस्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से जो है वो लेयर कर ली है, बारीक सी लेयर करनी है, बहुत मोटी नहीं करनी। आप इसको उसके बाद लेवल कर लें अच्छे से, आपकी मर्ज़ी है, आप जेली का भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड कर लें, येलो कर लें, मुझे ग्रीन अच्छी लगी थी बनाना के साथ तो ग्रीन की है मैंने। तो ये लेयरिंग मैंने कर ली है, अब मैं डालूँगी इसके ऊपर बिस्किट। बिस्किट आप कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड का, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये मैंने अच्छे से जो है बिस्किटों का चूरा करके इसको अच्छे से फैला लेना है, मोटी सी पतली सी लेयर बिस्किट्स की भी। आप चाहें तो बहुत बारीक बिस्किट भी कर लें, लेकिन ये कि वो गरम गरम उसमें जो है ना ये सब लेवल हो जाता है। तो कस्टर्ड की जब मैं इसमें अपना बड़ा मोटी सी एक लेयर लगाऊंगी ताकि बिस्किट जो है वो टोटली इसके अंदर जो है ना छुप जाए। तो इसके बाद इसको टोटली लेवल करूँगी मैं और देन इसको मैं डेकोरेट करूँगी। तो ये है जी फाइनल लुक मेरे कस्टर्ड की। आई होप यू ऑल लाइक दिस एंड लव दिस। तो अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत इजी, बहुत झटपट तैयार होने वाला ये कस्टर्ड ट्राइफल अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, मिलती हूँ किसी और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल डिलीशियस फूड बाय एस आर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।